चार बजे तक मोदी जी आए थे इसलिए मंदिर बंद था। अच्छा, मोदी जी गए, अभी मंदिर खुला ही है वापस। ये का मंदिर है जो संसार के अंदर एक ही है, लेकिन इस मंदिर की पूजा नहीं होती उसका। तो फाइनली हम लोग दरगाह से निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं पुष्कर की तरफ। सच बताओ तो बहुत ज्यादा हेक्टिक था, निदान भी बहुत ज्यादा रोने लगा। तो ढाई दिन का झोपड़ा वगैरह सारा सब कुछ देख के फिर हम लोग आ गए अपनी गाड़ी में। और सबसे मजे वाली बात क्या थी कि सोना दी गुम हो गए थे तो उनको ढूंढते ढूंढते हमारे आधा से ज्यादा टाइम निकल गया। तभी हम लोग जा रहे हैं पुष्कर की तरफ। ये रहा अजमेर टाउन, लाइट सुबह बिल्कुल यहाँ पे पूरा साइट सीइंग वगैरह करने के लिए जगह बनाया हुआ है। पहले ऐसा सब कुछ कुछ भी नहीं था। सो फाइनली हम लोग पुष्कर पहुंच गए हैं एंड लाइक अभी गाड़ी से उतर के हम जा रहे हैं ब्रह्मदेव के मंदिर की तरफ। कहा जाता है कि ये पूरा विश्व में एक ही एक ब्रह्मा जी की मंदिर है जो कि हमारी इंडिया अजमेर राजस्थान। सुनने में आया कि आज ही यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ पर आए थे और पूजा करने के लिए। बस हम लोग सिर्फ 50 मिनट्स के लिए लेट हो गए। अगर 50 मिनट्स पे पहले अगर हम लोग यहाँ पे पहुँच जाते तो शायद उनसे भी हमारी रूबरू हो जाते, उनसे हम मिल पाते। तो कोई बात नहीं, कभी और दिन ऐसा कुछ अगर हमारे भाग में लिखा हो प्राइम मिनिस्टर से मिलने का तो वो भी हो जाएगा। तो वो तो हमारे साथ अभी नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग निकलते हैं ब्रह्मदेव के मंदिर की तरफ पूजा वूजा करके। मैं तो बहुत बार आ चुकी हूँ पर मेरे साथ जितने भी लोग आए हैं वो सब पहली बार आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो देख के खरीदने का मन करता है। हर बहुत यहाँ पे देखो बैग वगैरह कितनी प्यारी प्यारी बैग्स है। जूम यहाँ पे हर एक एरिया से कुंड निकलता है, घाट निकलता है। तो अभी हम लोग घाट पार तो नहीं जाएंगे, सीधा ब्रह्मदेव के मंदिर ही पहुंचेंगे। दरगाह शरीफ में जितना भीड़ था वहां से देख के तो यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा शांत है। वहां पे तो सच बताओ मतलब बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण मतलब गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, पर यहाँ पे भीड़ बहुत ही कम है और विधान भी आराम से है। तो यहाँ रास्ते में हमें एक आइटम मिल गई तो वो मतलब बोल रहे कि 51 रुपीस पे वो पूरा मंदिर और इसके पूरे इतिहास बता देंगे, तो हमने उनको हायर कर लिया है। तो अभी चलते हैं। ये ब्रह्मा पूरा जानकारी मैं आपको सरोवर पे बताऊंगा। ब्रह्मा जी को श्राप क्यों मिला, प्रतिमा खंडित क्यों है, पहले सरोवर क्यों जाते हैं, जल की पूजा क्यों करते हैं, फिर उसके बाद में मंदिर का दर्शन किया जाता है। इसलिए और कहीं मंदिर नहीं बनता। एक से चार बजे तक मोदी जी आए थे इसलिए मंदिर बंद था। अच्छा, मोदी जी गए, अभी मंदिर खुला ही है वापस। गाइड हमें लेके जा रहे हैं कुंड की तरफ, तो उनको भी हम लोग फॉलो करते करते हुए जा रहे हैं। वो कुछ भी ना बोले जा रहे हैं और हम भी पीछे पीछे उनके लगे हुए हैं। ये ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर है, इसको पुष्कर सरोवर भी कहते हैं। इसके चारों तरफ 52 घाट है और ये ब्रह्मा जी की पहली पत्नी का घाट है, ब्रह्मा सावित्री घाट। जो भी परिवार वाला आता है यही अपना प्रसाद चढ़ाता है, पितरों को जल देते हैं, और जो माताएं बहने आती है पति की लंबी आयु के लिए सुहाग पूजा रखती है। मंदिर में अगरबत्ती प्रसाद पूजा कुछ भी नहीं होता है, उसका संपूर्ण जानकारी आपको बता रहा हूँ। बोलिएगा जय पुष्कर राज की। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है। तीन देवता अपन प्रमुख मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु भगवान का धाम है बुद्ध गया बिहार। हिंदू भगवान का स्थान है काशी बनारस। ब्रह्मा जी ने अपना स्थान बनाने के लिए अपने हाथ से कमल का पुष्प गिराया, क्योंकि ब्रह्मा जी का उत्पत्ति कमल के पुष्प से हुआ है। वो कमल का पुष्प यहाँ आके गिरा, पुष्प गिरने से जल निकला, उस जल का नाम पड़ा पुष्कर। इस पुष्प को बोलते हैं संस्कृत में फूल, कर को बोलते हैं संस्कृत में हाथ। इन दोनों का संधि हुआ तो नाम पड़ा पुष्कर। अपन अपने जीवन में कोई भी नया कार्य करते हैं उसका हवन यज्ञ किया जाता है। जगत पिता ब्रह्मा जी ने अपना कर्म बनाने के लिए यहाँ यज्ञ किया। यज्ञ में दो चीज का होना आवश्यक है, शुभ मुहूर्त और धर्म पत्नी का। यज्ञ नहीं होता है
ब्रह्मा जी का यक्का मुहूर्त निकला दीपावली के 10 दिन बाद में एकादशी आता है देव उठनी ग्यारह से लेके पूर्णिमा तक आप सभी भाग्यशाली हैं आज निर्जला एकादशी है। ब्रह्मा जी के 5 पुत्र है नारद सारद सनक संगालिक सनत कुमार। नारद मुनि को कहते हैं आप माता जी को लेके आओ मैंने यज्ञ का अनुष्ठान किया है। नारद मुनि का काम होता है झूठ बोलने का तो नारद जी ने जाके अपनी माता जी को यज्ञ का मुहूर्त गलत बता दिया और यहाँ आके पिताजी को बोल दिया माता जी 16 श्रृंगार करके आएगी उनको आने में समय लगेगा बिगर पत्नी के यज्ञ होता नहीं है। जगत पिता ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल है इंद्र भगवान और धनपति कुबेर भगवान जिनका अपन साल में एक ही दिन पूजा करते हैं दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस के दिन। इंद्र भगवान को कहते हैं आप कोई भी कुंवारी कन्या लेके आ जाओ जिनसे मैं अपना यज्ञ पूरा कर सकूं। इंद्र भगवान एक गाय चराने वाली कन्या को लेके आते हैं सब लोग कहते हैं आप तो देवता हैं ये गाय चराने वाली कन्या है आप दोनों की शादी नहीं होगी तो आप यज्ञ कैसे करोगे। तो उस कन्या को मंत्रों के द्वारा घास बना के गाय को खिलाते हैं गोबर के द्वारा उस कन्या का शुद्धिकरण करते हैं तो उस कन्या का नाम पड़ता है गा प्लस 3 दफा पीछे से निकाला गया त्री तो नाम पड़ा वेद माता गायत्री। ये गायत्री माता का जन्म स्थान है पुष्कर। ब्रह्मा जी और गायत्री माता ने जैसे ही यज्ञ में आहुति दी यह आहुति सुनकर ब्रह्मा जी की पहली पत्नी को क्रोध आ गया। क्रोध में आके यहाँ जिस किसी ने भी यज्ञ में सहयोग किया उन सब लोगों को श्राप दे दिया। पहला श्राप दिया अपने पतिदेव को कि इस विश्व में आपका एक ही मंदिर बनेगा लेकिन उस मंदिर का कोई पूजा अर्चना नहीं करेगा। इसलिए ब्रह्मा जी के मंदिर में कोई भी परिवार वाला जाता है उसके हाथ से अगरबत्ती प्रसाद पूजा दान कुछ भी नहीं होता। तो ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी से माफी मांगी तो सावित्री माता ने कहा कि जल के लिए आपने संपूर्ण ग्रस्त नियम तोड़े हैं नारी जाति का अपमान किया है जो भी घर परिवार वाला आएगा पहले आपके जल की पूजा करेगा उसके बाद में आपका मंदिर का दर्शन करेगा तभी उसकी यात्रा पूरी होगी। इसलिए अपने हिंदू धर्म में कहावत है गंगा जावे गोमती जावे सब ही रख करी आवे एक धाम पुष्कर ना करे वो नर मुक्ति ना पाए। दूसरा श्राप दिया पंडित अग्नि को। अग्नि को अच्छे कारण ही पूछते हैं खाना बनाते हैं पहले अग्नि को भोजन जिमाते हैं हमने यज्ञ में काम में लेते हैं श्राप की वजह से उसी पवित्र अग्नि को अपन अपने पैरों से बुझा देते हैं उस पवित्र अग्नि का अपमान किया जाता है। तीसरा श्राप दिया इंद्र भगवान को उन्होंने यहाँ जल का उत्पत्ति किया और उस कुंवारी कन्या को लेके आए। संसार में ज्यादा बारिश होता है बाढ़ आ जाता है नुकसान हो जाता है तो भगवान को कोसते हैं कम बारिश होता है सूखा पड़ जाता है तो भी कोसते हैं। छोटा श्राप दे दिया गाय को क्योंकि गाय ने उस कन्या का शुद्धिकरण किया तो अपन गाय के मुंह की पूजा नहीं करते हैं पीठ की पूजा करते हैं गाय का गोबर गाय का दूध गाय का गोमूत्र आज भी पूजनीय है। पांचवा श्राप दिया ब्राह्मण को क्योंकि उन्होंने यहाँ मंत्रों के द्वारा यज्ञ करवाया तो ब्राह्मण को श्राप दिया कि आप अपनी आजीविका मांग के ही खाओगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्राह्मण कोई भी कर्म करवाता है उसको जो दक्षिणा देते हैं उसी से अपना पेट भरता है इसलिए ब्राह्मण का हाथ ऐसे है देने वाले का हाथ ऐसे है। लास्ट श्राप दिया अपने पुत्र को क्योंकि उन्होंने माता पिता के बीच में झूठ बोला इधर का बात उधर का बात इधर किया तो नारद मुनि को श्राप दिया कि आपका ग्रस्त जीवन नहीं होगा। इसलिए नारद जी की शादी नहीं हुई और अपन किसी भी बच्चे का नामकरण नारद जी के नाम से नहीं रखते। इसलिए 2 काम के लिए अब लोग पुष्कर में आते हैं नॉर्मली घूमने फिरने के लिए आते हैं ये ब्रह्मा सावित्री घाट है यहाँ सुहाग का थाली मिलता है जिसमें कुकू मौली नारियल पुष्प हल्दी प्रसाद चंदन आता है घर की सुख शांति के लिए धंधे व्यापार के लिए। जो पत्नी अपने पति के साथ में आती है अपने पति की लंबी आयु के लिए अपने उज्जवल भविष्य के लिए इसी ब्रह्म सरोवर की पूजा करते हैं। दूसरा अपने परिवार में कोई गुजर जाता है गुजरने के बाद में उनका अस्थि राख यहाँ विसर्जित करने के लिए आते हैं। परिवार में कोई दोष होता है पितृ दोष अगर अपने कोई पूर्वज गुजरे हुए हैं उनकी मोक्ष शांति के लिए यहाँ अपने पितरों को जल पिलाते हैं या पिंडदान करते हैं। पिंडदान में 1 से 1.5 घंटा लगता है समय नहीं होता तो जल जरूर दिया जाता है और बहुत अच्छे दिन आए हैं आज निर्जला एकादशी है। पूर्वज आस करते हैं कि मेरे परिवार में से कोई भी तीर्थ में जाएगा वो हमारे को याद जरूर करेगा। इसलिए जल के पीछे 52 घाट है 1000 मंदिर है जो भी आप ब्रह्मा जी के निमित्त अपने परिवार के निमित्त या अपने पुत्रों के नाम से दान देना चाहो
तो वहाँ संस्था चैरिटी ट्रस्ट बना है ब्राह्मणों के लिए, जो भी आप दान देना चाहें वहाँ आप अपना दान दे सकते हैं। मंदिर में खाली हाथ जाते हैं, दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, परिक्रमा लगा के वापिस आ जाते हैं। जीवन में तीन चीज, धर्म, पुण्य, स्त्री, कोई किसी से बात की नहीं करता है। जो जोड़े से आता है वो जोड़े से प्रसाद चढ़ाता है, जो अकेले आता है वो अकेले ब्रह्मा जी का फूल प्रसाद चढ़ाता है। 20 रुपए का पूजा अर्चना का थाली मिलता है, अपने नाम, अपने गोत्र, अपने परिवार से जल्दी पूजा करते हैं। बोलिएगा जय पुष्कर। ये आने का महत्व है, कोई बात आप पूछना हो अपने से पूछ सकते हैं। होगा जो गाइड ने बताया स्टोरी वगैरह, तो अभी मैं और राहुल जाएंगे पूजा वूजा करने के लिए। राहुल कह रहा है पता नहीं क्या करेगा, सो जाएंगे एंड देन लाइक अभी आप देख सकते हो हम कहाँ पे कौन से कुंड में हैं। तो अभी मैं और राहुल अभी जा रहे हैं पूजा करने के लिए। नेपाली जानते कि नहीं? मैं तो वही काम में आ गया, ये लोग पकड़ा इसको। इसका भी बोल रहे पृथ्वी की राय पर्वत मानुषे जम्बो दीपे आज दिवसे पुष्कर क्षेत्र गंगा के समीपे आरण्य क्षेत्र पुष्कर क्षेत्र प्रजापति क्षेत्र मालिका क्षेत्र आज दिवसे 31 मई 2023 बुधवार दिवस है। आपका नाम लीजिएगा, आपका नाम लीजिएगा, पुत्री पुत्री उनका नाम लीजिएगा, गोत्र का उच्चन करिएगा। मुझे आज दिवस है हमारे हाथों से ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, एकादशी तिथि, ग्रीष्म ऋतु, विक्रम संवत 2080, राजीव ऋषि फ्यूजन में से मम्मी पापा है, दादा नहीं, दादा नहीं है, बोलो दादा क्यों हुआ मैंने भी जिस पूजा वगैरह शुरू ही किया था कि रिदान बहुत ज्यादा जोर से रोने लगा, तो उसको मैं फिट कराने के लिए कहीं पे बैठ के उसको फिट कराने लग गई, और जितना भी पूजा वगैरह था जो बाकी रह गया था वो सारा सब कुछ राहुल ने ही किया। और शायद राहुल राहुल तो अभी हम लोग जा रहे हैं घाट पे थोड़ा सा पानी छूने के लिए। सभी घाट में भी हम लोगों ने पूजा घाट में भी हम लोगों ने पूजा वूजा कर लिया, तो अब हम जाने वाले हैं मेन मंदिर, मेन ब्रह्मा जी की मंदिर। तो सच बताओ तो गर्मी में मतलब पैर जूते पहन पहन के पूरा पैर दर्द हो रहा था, तो जैसे ही पानी में डाला हम रोए ना, हम रोए ना। तो लाइक बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रखी थी, पैरों में जूते डाल के छाले पड़ गए थे, तो जैसे पानी में पैर डाला तो सच बताओ बहुत ही आराम महसूस हुआ। तो अब हम निकलते हैं मेन मंदिर की तरफ, बहुत लेट हो गई यहीं पर, अगर हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो फिर हम मंदिर की तरफ मतलब और भी जो छोटी मोटी मंदिर वगैरह है वहाँ पे हम घूम नहीं पाएंगे। तो अभी निकलते हैं हम मेन मंदिर की तरफ और बाकी देखते हैं कि बाकी कहाँ कहाँ पे छिटे हुए हैं, क्योंकि सर
जैसे कोई कोई यहाँ पे देखो देवी ये सारा यहीं पे बैठे हुए हैं, और मामी बड़ी मैं पता नहीं कहाँ बैठी हुई है। चलो जुम